हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे, जिसमें टीवी का तड़का आपके लिए लेके आता है ड्रामास और सेलिब्रिटीज से जुड़ी दिन की 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आप इंडस्ट्री से जुड़ी रोजाना के 7 छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें टीवी का तड़का। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। आज है 12 फरवरी। टॉप 7 ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, हानिया आमिर ने शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर कुछ अपनी बर्थडे की पिक्चर्स और वीडियो, जिसमें वो खूब इंजॉय करती दिखाई दे रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। उनके पिक्चर्स को ऑडियंस खूब पसंद कर रही है। आप भी देखें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, बिहाइंड द सीन्स में इकराजीज ने शेयर की नए साल की एक वीडियो, जिसमें उन्होंने नए साल का एंथम गाया है। ऑडियंस उनकी इस वीडियो को खूब पसंद कर रही है और प्यार बरसा रही है। आप भी हमें कमेंट कर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नया साल फिर चढ़या, मैनु कोई फर्क नहीं पया, बेटे घटता नहीं मेरा होने यान यान, पैसे मुक गए ने सारे मेरे यान यान, घर वाले बड़ी टॉप न्यूज। इरा खान और अरसलान खान की शादी से एक वीडियो आई सामने, उनकी कबूल है मोमेंट की। ऑडियंस उनकी इस वीडियो को बेहद पसंद कर रही हैं और उनको शादीशुदा जिंदगी के लिए दुआएं दे रहे हैं। दिन पर छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, इमरान अब्बास ने शेयर की इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी, जिसमें उन्होंने लिखा है दिस वैलेंटाइन द जर्नी विल अनवेल गेस व्हाट, और उन्होंने एक टाइमर भी सेट किया है। अब उनके फैंस देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होने वाला है सरप्राइज। ऑडियंस इमरान अब्बास के सरप्राइज के लिए काफी ज्यादा वेट करती दिखाई दे रही है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, एआरवे डिजिटल पर एक नया ड्रामा मुमकिन, जिसमें हिबा बुखारी, जावियर नुमान, उसामा खान और मिकाल जुल्फिकार नजर आने वाले हैं। ये होने वाली है मुमकिन ड्रामा की नई कास्ट। ऑडियंस को ये ड्रामा देखने के लिए बेहद ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जावियर और हिबा की बिल्कुल एक नई जोड़ी ड्रामा में दिखाई देने वाली है। आप इस ड्रामा के लिए एक्साइटेड है या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी कीमती राय शेयर कर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टॉप 7 ऑफ द डे में से छठी टॉप न्यूज, इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 का आज होने जा रहा है ग्रैंड फिनाले। टॉप 5 में है प्रियंका, स्टैन, शिव, शालीन और अर्चना। पाकिस्तानी ऑडियंस को भी इस शो का बेहद ही ज्यादा क्रेज है। जहां तक दावे किए जा रहे हैं अभी तक के प्रियंका इस शो की विनर बनेगी, वहीं से आज शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा ग्रैंड फिनाले और मिल जाएगा इंडिया और बाकी के पूरी दुनिया को बिग बॉस सीजन 16 का विनर। आप कौन चाहते हैं कि विनर बने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, PSL 8 शुरू होने जा रहा है, जिस पर ओपनिंग सेरेमनी के वक्त नेशनल एंथम परफॉर्म करती दिखाई देंगी पाकिस्तान की निहायत ही टैलेंटेड सिंगर आईमा बेग, जिनके बहुत ही ज्यादा हिट सॉन्ग रह चुके हैं। ऑडियंस PSL के लिए बेहद ही एक्साइटेड है और PSL का क्रेज पाकिस्तान में हर जगह देखा जा रहा है। आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये थी आज की टीवी और सेलिब्रिटीज से जुड़ी 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी अपडेट्स के लिए टीवी का तड़का।